अभी हम मार्केट में चल रहे हैं और अभी बस हम पहुंचने वाले हैं अपने असली मार्केट में। तो गाइस हम गए थे बाजार, तो बाजार से हम लेके आए थे कुछ सामान। तो मैं आज दिखाऊंगी आपको क्या सामान लेके आए थे और हमारे यहाँ क्या है, क्या होने वाला है, ये भी हम आपको पूरी वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या सामान लाए और आपको भी दिखाते हैं। तो किससे शुरू करूँ मैं? तो ये देखिए, ये आप समझ ही गए होंगे इसको देख के कुछ क्या है। ये एक गुब्बारे की पैकेट है, एक ये है और ये पिंक कलर का है एक। तो ये लेके आए थे और ये भी आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, आप ये इसको भी जानते होंगे। तो ये है जो कर्टन बोलते हैं दीवार पे लगाने के लिए। तो अब तो आप देख के समझ ही गए होंगे कि किसी का बर्थडे है। तो बर्थडे तो है, अब बर्थडे कब है आप अगली वीडियो में जानेंगे। और वीडियो को देखना और अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर देना, ठीक है। तो ये एक कर्टन है, एक ये वाला कर्टन है और ये है सिल्वर कलर में है, गोल्डन कलर में नहीं, ये सिल्वर कलर में है। तो देखिए, और ये फुग्गे वाले जो नंबर होते हैं ना, फुग्गे वाले जो पुराने वाले नंबर होते हैं, ये वो हैं दो। तो ये आपको सजाने के बाद में दिखाएंगे। और ये हैप्पी बर्थडे का जो बंधन वार सा बोलते हैं ना, उसे बांध देते हैं मुझे नहीं पता क्या होता है वो उसे बांध देते हैं उसके कर्टन के ऊपर, वो है ये, ठीक है गाइस। तो ये तो बर्थडे का थोड़ा सा छोटा मोटा सामान है। और हम क्या लेके आए थे, एक ये साबुनदानी, ठीक है, साबुनदानी भी लाई थी, हमारी टूट गई थी इसे। और एक मग्गा भी टूट गया था, मग्गा भी लेके आए थे हम। मग्गा बोलते हैं इसे हमारे यहाँ, तो मग्गा बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप बताना, ठीक है। और एक ये ब्रश कपड़ा साफ़ करने का, कपड़ा साफ़ करते हैं इससे। तो ये भी ख़राब हो गया था हमारा, तो इस वजह से अब लेके आए थे हम, ठीक है। अगर आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसे मुझे नहीं पता, ठीक है। और एक ये झविया लेके आए थे हम, ठीक है, क्योंकि झविया तो थी मेरे पास, दो हैं, एक बहुत बड़ी है, एक तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, वो उससे चलाने में नहीं आता है वो मुझे, तो छोटी छोटी मुझे अच्छी लगती हैं डेली में चलाने में। एक और है, छोटी है, पर जब कहते हैं ना कि त्यौहार का सामान बनाते हैं तो दो दो तीन दिन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक में पूड़ी निकालते हैं तो एक में सब्जी के चाहिए, कुछ के लिए चाहिए तो फिर कम पड़ जाती है, इसलिए एक और लेके आई। तीन चार हो गई मेरे पास, बड़ी बड़ी हैं, दो दो छोटी छोटी हो गई, और फिर जाऊंगी फिर लेके आऊंगी एक और, ठीक है। ये हमारे यहाँ झबिया है, पौनिया, ठीक है। एक ये चलनी, चलनी किस लिए आई है इसे आपको मैं बताऊंगी अगली आने वाली वीडियो में, नहीं बता तो अभी दे रही हूँ पर इसका क्या होगा, इसको मुझे डेकोरेट करना है करवा चौथ के लिए। तो करवा चौथ पे बनने वाली वीडियो देखना आप, इतनी बढ़िया वीडियो आने वाली है, आप देखना और वीडियो को देखते ही रहना बस, ठीक है। नहीं देखना, देखना है आपको, ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है, देखते रहना और सब्सक्राइब करते रहना। जिन्होंने कर लिया है वो तो देखते ही होंगे और जिन्होंने नहीं किया है वो कर लेना, अच्छी लगी तो, ठीक है। और इसको मैं डेकोरेट करूंगी। मैंने थाली पूछी थी पूरी, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी तो मैंने पूरी थाली पूछी थी, तो उसने तो मेरी हवाई खराब कर दी, ठीक है। उसने क्या किया, मैंने पूछा कि पहले तो मिल ही नहीं रही थी बाजार में, अभी बोल रहे थे कि अभी नहीं, करवा चौथ का थोड़ा टाइम है, अभी नहीं आई है दीदी, अभी नहीं आई है। मैंने भैया नहीं आई है तो फिर वीडियो कैसे बनाएंगे हम? तो मैंने वो एक आइडिया निकाला, मैंने बना सकते हैं ना, अपने हाथ में इतना तो हुनर है कि हम सजा सकते हैं, हम इसे डेकोरेट कर सकते हैं, हम थाल भी बना सकते हैं, हम लोटा को भी डेकोरेट कर सकते हैं, थाल को भी डेकोरेट, तो मुझ में इतना तो टैलेंट है गाइस, ठीक है, इतना तो है, देखना आप, देखना बस, तो इतना तो है, तो मैं इसे डेकोरेट करना भी बताऊंगी आपको
और आप सस्ते से सस्ते में ये 10 रुपए की चलनी दी मुझे, तो और ज्यादा नहीं है मेरे पास, ऐसे ही दान किया हुआ एक थार पड़ा हुआ। थार तो बहुत सारे पड़े हैं, पर एक कोरा है छोटा सा, एक थाल पड़ा हुआ है और एक लोटा भी है कोरा ही। ये चीज है मेरे पास, और इसे डेकोरेट करने के लिए वो चीज है मेरे पास, तो मैं क्यों लेके आऊँ, है खरीद के क्यों लेके आऊँ इतने सारे। उसने मुझे कितने पैसे बताए, 550 रुपये गाइस बताए थे, तो बताओ मैं क्यों इतने खर्च करके आती। तो मैंने सजाने के लिए इसे लेके आई, अब मैं आपको बताऊंगी अगली वीडियो में, जरूर देखना आप, ठीक है। और इसकी आप भी सोचेंगे कि इसको क्यों, इसको भी डेकोरेट करना है, नहीं इसको डेकोरेट नहीं करना, करना है ये मेहंदी वाली चलनी है, आप देख सकते हो। मैं तो गाइस मैं इसे सजाने के लिए नहीं लाई हूँ, और ये मैदे वाली चलनी है। जैसे कि बेसन होता है, मैदा होती है, तो उसमें थोड़े बहुत कीड़े वगैरह हो जाते हैं। वैसे तो मैं इतना मंगाती ही नहीं हूँ जो कीड़े होंगे, पर कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, इस वजह से मुझे दिख गई थी, तो ये 20 रुपए की दी थी, तो मैंने कि ले लेते हैं, क्यों किसी के यहाँ मांगने के लिए जाओ, तो इस वजह से मैंने ले ली ये भी, तो ये भी ले ली। और देखिए ये हम किसका बर्थडे है, ये हम आपको बताएंगे, उसके लिए ये ड्रेस आई है। तो देखिए गाइस ये ड्रेस कैसी लग रही है, और ये उसी दिन आपको फाइनल लुक दिखाएंगे हम, जिस दिन जिसका बर्थडे होगा वो आपको देखने को मिलेगा। देखना इसे भी पहना जाएगा और ड्रेस आई है वो भी पहनी जाएगी। तो गाइस उस दिन हम दिखाएंगे आपको कि किसका बर्थडे है और किसकी ड्रेस है ये, ठीक है। तो ये लेके आए थे हम, ठीक है। ये कितने का है ये आप यकीन नहीं मानोगे, क्योंकि हमारे यहाँ सस्ता वाला मार्केट लगता है, तो उसमें से इसे सस्ता खरीद के लाए हैं हम, ठीक है। कितने का, 120 रुपये का। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी, इसे ही आप शोरूम में लेने जाओगे तो 350 से 300 से कम नहीं मिलेगा। ये हम लोकल मार्केट से लेते हैं सामान, तो हमें ये इतने का ही पाए। वैसे 150 रुपये की रेट होती है इसकी, पर वो भैया मेरी जान पहचान के थे थोड़ी, तो उन्होंने मुझे 30 रुपये कम करके दिए, क्योंकि पूरी ड्रेस उन्हीं से ली थी मैंने, ठीक है। तो आप देखना, और देखिए ये है, ये इसकी बेल्ट है, ये बेल्ट है इसकी, ठीक है। और ये ड्रेस है, तो आप देख सकते हो ड्रेस। बताना गाइस आपको ड्रेस कैसी लग रही है, मैं तो पूरी ढक गई इसमें। तो देखिए ये इसका लग रहा है घेर बहुत है, पर जब पहनने के बाद में, बेल्ट लगाने के बाद में आप देखोगे तो बहुत ही सुंदर लुक आता है इसे पहनने के बाद में, बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखना मैं बर्थडे वाली वीडियो बनाऊंगी, आप उसमें देखना किसने पहनी ड्रेस और किसकी ड्रेस है, किसका बर्थडे है, ठीक है। मैं बार बार बोलूंगी क्योंकि बर्थडे है, तो बर्थडे में आना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये ड्रेस है, और इसके जो अगेन पहनी जाएगी वो है, ठीक है। तो यही सामान था, थोड़ा पूजा का भी सामान लेके आए थे हम, जो बाती थी, बाती की पैकेट लाई थी मैं बड़ी बड़ी। तो गाइस हम मंदिर का भी सामान लाए थे, थोड़ा सा पूजा पाठ का, एक बत्ती की पैकेट लाए थे बड़ी वाली जो होती है यहाँ पर, वो आती है छोटी छोटी, 10-10, 20-20 रुपए की आती हैं, वो बहुत महंगी पड़ती हैं, इसलिए वजह से मैं पूरा इकट्ठा ही लेके आई थी। तो उसको तो अब यूज में आ गई, वो एक दिन हो गया तो यूज में आ गई। और रोली की डिब्बी भी लेके आए थे, और चंदन की डिब्बी भी लेके आए थे, तो कपूर था, मतलब बहुत सारा आइटम था, उसका पूजा का क्या दिखाना था, और वो यूज में भी आना था तो यूज में ले लिया, क्योंकि आपको पता है नवरात्रि चल रहे हैं, तो जय माता दी सभी को, और नवरात्रि चल रहे हैं तो भाई जरूरत तो पड़ेगी, अब रोज आना जरूरत पड़ेगी, तो निकालना पड़ेगा, एक दिन का तो थोड़ा नहीं था तो वो निकाल लिया हमने, तो अब नहीं दिखा पाए, अगली बार लाएंगे तो और दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो भाई तो हेलो गाइस, हम गए थे उस दिन मार्केट, तो उस दिन ये हम लेके आए थे सामान, तो ये मैं दूसरे दिन वीडियो बना रही हूँ दिखाने वाला, उस दिन गए थे उस दिन की वीडियो और ये वीडियो मिक्स में ही आपको देखने को मिलेगी। आज मैंने कोई काम की, कोई उसकी धंधे की, कोई भी काम धंधे की कोई वीडियो नहीं बनाई है, और आप कहोगे तो मैं पूरे रूटीन की भी बना सकती हूँ, पूरी उसकी बना सकती हूँ वीडियो में, बना सकती हूँ, थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ मैं, ठीक है। तो गाइस देखिए ये सामान कैसा लगा, और अगली वीडियो जो आने वाली है वो बर्थडे की आएगी, तो उसको भी देखना, और भी वीडियो आएंगी, अभी तो बहुत सारी वीडियो आएंगी, तो देखते रहना। तो गाइस अब यहीं पर हम वीडियो का एंड करते हैं, बाय बाय।